के आरा में दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां मृतिका के मायके वालों ने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज में मोटरसाइकिल की डिमांड पूरी नहीं करने पर विवाहिता की निर्मम हत्या कर उसके शव को कमरे के अंदर फंदे से लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतिका के भाई ध्रुव कुमार ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच पति और ससुराल वालों के द्वारा दहेज में अपाचे मोटरसाइकिल और अन्य कीमती सामानों का डिमांड किया जाने लगा। हम लोग गरीबी अवस्था की वजह से जब उन लोगों का डिमांड पूरा नहीं किए तो वो लोग हमारी बहन को प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच आज सुबह ससुराल वालों के द्वारा फोन से सूचना दी गई कि आपकी बहन फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली है, जबकि हम लोगों को विश्वास है कि हमारी बहन को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव को फंदे से लटका दिया गया है, क्योंकि उसके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान भी मिले हैं। वही शव का पोस्टमार्टम कराने आए गजराजगंज ओपी में तैनात एसआई रोशन कुमार ने बताया कि एक विवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतिका के मायके वालों के द्वारा ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर पूरे मामले की छानबीन कर रही है, साथ ही घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। छठा महीने में शादी हुआ था, हम लोग उपहार स्वरूप जो ये लोग मांगा पैसा का डिमांड किया, हम लोग पैसा दे दिए, और ये लोग बार बार गाड़ी का डिमांड कर रहा था, अपाची गाड़ी का। हम लोग बोले कि स्थिति अभी ठीक नहीं है, बाद में दिया जाएगा, और बहन को लोग टॉर्चर करने लगे, मारा भी लोग है बीच में, जो गर्दन पे कटा फटा टाँका भी पड़ा है। यहाँ से पिताजी गए हैं तो वो लोग चारों तरफ से घेर लेता था लड़की को, अब बोलने नहीं देता था, इसके वो डर से वो बोल नहीं पाती थी, तो ये जाते थे समझा बुझा के चले आते थे। इसी बीच में आज 3 बजे सुबह में फ़ोन आया कि आपकी लड़की का तबीयत ख़राब है, लेकिन लड़की को लोग जबरन फांसी लगा दिया था। हाँ, हम लोग आए तो था लोग, उसके बाद जैसे भीड़ जुटने लगा वो लोग घर छोड़ के फरार हो गया, सभी लोग भाग गए। हाँ, सभी लोग भाग गए, हम लोग रस्सी खोले हैं सुबह में आके। आप लोग गए तो क्या देखे? देखे कि मतलब फंदा का रस्सी लटका हुआ था और नीचे सुलाया था, जिस गर्दन में था, और रस्सी भी अभी बांधा हुआ था, जबकि हम लोग ऐसे किए तो खुल गया। मतलब ये लोग नाटक मतलब किया था कि लोग समझेगा कि अपने से फांसी लगाई है, जबकि वीडियो हम लोग बना के रखे हैं, जबरन फांसी लोग लगाया है। माने आप लोग का कहना है कि लोग मार के आता? हाँ, मार के ही लोग टांगा है, रस्सी से फंदा लगा के जबरन ही लोग ही किया है। ये लोग बार बार जब दहेज का डिमांड कर रहा था तो आप लोग पुलिस से कंप्लेंट किए थे? हाँ नहीं, हम लोग पुलिस आपस में हम लोग जाके समझा बुझा के चले आते थे। हाँ, पंचायती के बाद बोला लोग? पंचायती नहीं, आपसी घर के लोग थे, समझा बुझा के कि एगो लड़की है, तुम्हारा ही सब संपत्ति होगा, लेकिन वो लड़का जो था उदंड था, थोड़ा अपने बाप का भी बात नहीं मानता था। कौन से जगह शादी किए थे? मसाड़ का टोला है, आड़ा जिला में पड़ता, भोजपुर में। हाँ, आप लोग कहाँ के रहे? हम लोग बलवन टोला, छपड़ा जिला, डोरीगंज थाना। आप मृतिका के कौन हुए? हम मतलब भाई हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ध्रुव कुमार। दहेज प्रताड़ना में हत्या का मामला आया, क्या मामला है सर? ये मामला है मसाड़ का टोला का। जैसे इनका शादी, ये इनका डोरीगंज थाना पड़ता है, छपरा जिला में घर, और इनके बेटी का फिलहाल हाल फिलहाल छठे महीना में शादी इनके द्वारा किया गया था, मसाड़ के टोला गजराजगंज ओपी में अंतर्गत आता है, वहाँ इनके द्वारा शादी किया गया था। वहीं इन लोगों का आरोप है कि हमारे बचिया का जो है, इन लोगों ने दहेज के कारण जो है हत्या करना जो इन लोगों के द्वारा बताया गया है। हम लोग डेड बॉडी लेकर के हम लोग सारा प्रक्रिया कम्प्लीट करके आगे का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, फिर FIR करके फिर गिरफ्तारी हेतु छापेमारी। ससुराल के लोग फरार अभी? हाँ, ससुराल के लोग, हम लोग वहाँ छापेमारी किए तो आसपास सब लोग वहाँ से फरार। सर, दहेज में गाड़ी बाइक की मांग की गई थी, अब तो इनके द्वारा अभी फर्दमान दिया जा रहा है, जब सारी बात बताई जाएगी तो फिर अपना वो। क्या नाम है सर? मेरा रोशन कुमार नाम है।